हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है बी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा फ्रॉम मारुति सुजुकी की ऑटोमेटिक वर्जन है। एंड फ्रंट में देख सकते हैं इसमें एलईडी डी आर एस आते, नीचे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आते हैं। डोंट नो वेदर इट इज एन एलईडी सेटअप और नॉट, आपको पता लग जाएगा। ये इस पर शीट थी, आप वीडियो क्रॉस कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा इंटीरियर देखेंगे इसका। इसमें आपको 17 इंचेस के डायमंड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ओके, डोर इसका लाइट है पहले की तरह, बट जो डोर हिंजेस है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग मैकेनिज्म है, वो इस तरह से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि जब आप खोलोगे बंद करोगे तो थोड़ा सा टाइट लगेंगे, बाकी डोर भी ठलता है इसका। बट लेदर सीट्स मिलती हैं आगे पीछे, डोर में भी लेदर का टच मिलता है इसमें, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं इसमें डेफिनेटली। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड बूट साइज़ अगर बात करें, डिसेंट है, काफ़ी बड़ा है। एंड ये बैटरी पैक है इसमें, एंड इसके नीचे भी आपको बूट में स्पेस मिलता देखने को, जैसे ये देख रहे हैं अभी। एंड यहाँ पे ये बैटरीज है सारी, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस नहीं एफिशिएंसी बढ़ जाती है बहुत। 64 डिस्प्ले आती है इसकी रियर सीट्स, थोड़ा सा वेंट आता है पीछे पैसेंजर्स के लिए। एंड फ्रंट डिज़ाइन भी अच्छा लगता है देखने में इसका, पॉपअप स्क्रीन टाइप है इसमें, पैनोरामिक सनरूफ है, एंड पीछे मैगजीन होल्डर्स भी हैं, ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट छोटा सा है, हैंड बैग कप होल्डर्स के काफ़ी सारे बटन्स हैं इसमें, ड्राइविंग मोड्स आ गए इसके अंदर। इसमें टू व्हील ड्राइव भी आता है एंड ऑल ग्रिप, जो कि इसका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है। गाड़ी देखने में अच्छी लगती है ये, इसके पावर विंडो कंट्रोल्स और फ्रंट पैसेंजर्स, एंड मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आती है इसमें 8-way, फुल स्टार्ट स्टॉप और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है पूरा। सेम स्टीयरिंग व्हील आपको स्विफ्ट में, डिज़ायर में और भी गाड़ी में देखने को मिल जाएगा इसमें। हार्ड प्लास्टिक्स हैं इसमें बट और अच्छा काम किया है। बट टू बी ऑनेस्ट, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है मारुति ने, काम बहुत अच्छा किया है। एंड दिस इज़ अ स्टेप अप फ्रॉम द मारुति ब्रीज़ा, सीरियसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।